नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ऑफ बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 12 जुलाई को तीसरी ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत हुई गेहूँ बिक्री के बारे में और जानेंगे गेहूँ बाजार की इस हफ्ते की स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते गेहूँ के दाम स्थिर रहे हैं। दिल्ली में गेहूँ के दाम में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दिखी है और अब यह वर्तमान में 2,440 रुपये प्रति क्विंटल पर व्यापार कर रहे हैं। राजस्थान में भी गेहूँ के दामों में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दिखी है और वर्तमान कीमत 2,320 रुपये प्रति क्विंटल पर है। पहले दो ही ऑक्शंस के मुकाबले तीसरे ही ऑक्शन में गेहूं की खरीदारी बेहतर लगी। FCI ने बुधवार को 4.18 लाख टन गेहूं बेचने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें से बीडर्स ने लगभग 1.77 लाख टन, जो कि लगभग 42% गेहूं खरीदा है, जो पहले ऑक्शन की तुलना में दुगनी खरीदारी थी और दूसरे ही ऑक्शन की तुलना में 38% की बढ़ोतरी है। अब तक हुई तीन ही ऑक्शंस में सरकार ने कुल 0.38 मिलियन टन गेहूं को खुले बाजार में बेचा है। सूत्रों के मुताबिक गेहूँ की उच्च और औसत गुणवत्ता के लिए औसत बोली 2,156.67 रुपये प्रति क्विंटल पर हो रही है, जो कि रिजर्व प्राइस 2,150 रुपये प्रति क्विंटल से थोड़ी अधिक। लेकिन बिजनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि गेहूँ की बिक्री के साथ अधिव्यापी लोग इसे खरीदने और फिर वर्तमान बाजार की कीमतों पर बेचने का अच्छा मौका ढूंढ रहे हैं। FCI के पास 11 जुलाई को 29.71 मिलियन टन गेहूँ का स्टॉक था, जबकि सरकार को वार्षिक रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए 18.4 मिलियन टन गेहूँ की जरूरत होती। अधिकारियों ने बताया है कि सरकार गेहूँ के दामों को नियंत्रण करने के लिए वर्तमान में इंपोर्ट पर लगे गए 40% ड्यूटी को कम करने जैसे कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है। अगर ये सही में होता है तो ये बाजार को प्रभावित कर सकते हैं और इंपोर्ट चुनौतियों पर असर डाल सकते हैं। ट्यूटीकोरिन पोर्ट के लिए काले सागर की गेहूं का कोटेशन लगभग $285 प्रति टन है। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई गेहूं का कोटेशन $330 प्रति टन पर है। इसके अलावा अगस्त सितंबर में रूसी गेहूं की कटाई की उम्मीद से ग्लोबल कीमतों में कमी हो सकती है, जिससे भारत को इंपोर्ट ड्यूटी कम करने और अपने घटते हुए भंडार को पूरा करने का शानदार अवसर मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें गेहूँ बाजार को लेकर। गेहूँ के दाम आगामी हफ्तों में सीमित सीमा में रहने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम में MSP पर गेहूं के स्टॉक को जारी कर रही है और वहीं इंपोर्ट की अफवाहें बाजार में नकारात्मक भावनाओं को जगा सकती है। हालांकि गेहूं की सप्लाई में कमी मूल्य में कोई बड़ी गिरावट होने से बचा सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी गेहूं बाजार पर चर्चा समाप्त होती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर सरकार इंपोर्ट पर क्या फैसला सुनाती है और आने वाले ऑक्शंस में बीडर्स की संख्या बढ़ेगी या नहीं। आप अपने विचार नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए डाउनलोड करिए हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप, जहां आपको मिलेगी गेहूं बाजार से जुड़ी सारी खबरें और देश भर की मंडियों के ताज़ा भाव, वो भी मुफ्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, बाजार की ताज़ा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।